एक गांव था जिसका नाम मायापुर था। गांव की सुंदरता का तो कुछ कहना ही नहीं था, क्योंकि उस गांव के किनारे ही एक विशाल जंगल था और उस जंगल में कई तरह के जंगली जानवर पशु पक्षी रहा करते थे। एक दिन की बात है कि एक लकड़हारा लकड़ियों को लेकर जंगल के रास्ते से अपने गांव की ओर जा रहा होता है। तभी उसे अचानक एक रास्ते पर शेर मिल जाता है और उस लकड़हारे से कहता है, देखो भाई, आज मुझे कोई भी शिकार सुबह से नहीं मिला है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ और तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी लकड़हारा घबराकर कहता है, ठीक है, अगर मुझे खाने से तुम्हारी भूख मिट सकती है और तुम्हारी जान बच सकती है तो मुझे ये मंजूर है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शेर कहता है, कहो। तुम तो भैया अकेले हो और तुम्हारे पर किसी की जिम्मेदारी भी नहीं है, परंतु मेरे घर पर बच्चे बीवी भूख से व्याकुल हो रहे हैं। इस कारण मुझे यह लड़कियाँ बेचकर घर पर भोजन लेकर जाना होगा, परंतु मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं अपने बीवी और बच्चों को भोजन देकर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तभी शेर बड़ी तेज हंसता है और कहता है कि तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है, तुम्हें मेरा शिकार बनना ही पड़ेगा। तभी लकड़हारा रोता है और कहता है, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। शेर को उस पर दया आ जाती है और कहता है कि तुम्हें सूर्य डूबने से पहले ही आना होगा। लकड़हारा कहता है, ठीक है। जब लकड़हारा अपनी बीवी और बच्चों को भोजन देकर शेर के पास वापस आया तो शेर प्रसन्न होता है और कहता है, तुम्हें मारकर मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तभी लकड़हारा शेर का धन्यवाद करता है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और साथ ही घंटी के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।